चलिए आगे चर्चा करेंगे। एके मिश्रा जी भी जी आपके पास अभी दोबारा से आती हूँ मैं। एके मिश्रा जी, देखा जाए तो अभी कांग्रेस, ये कहा गया अभी कि डीके शिव कुमार का ये बयान सामने आया कि कांग्रेस उनकी मां है, लेकिन उससे पहले भी एक बयान उन्होंने दिया था, उससे जस्ट पहले ही, कि 135 विधायकों का सपोर्ट है, उनसे बात हो चुकी है। तो क्या उसके मायने निकाले जाए? वो ये दिखा रहे हैं कि कितने विधायक उनके साथ में है। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से, मैं एक मिनट में आप आ रही हूँ आपके पास में, अनिल जी आपके पास दोबारा आ रही हूँ एक मिनट में जी। देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं बोलना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस के मित्र ने हमसे एक डिफाइन इन्होंने किया पत्रकारिता क्या है, कि जो सरकार को क्रिटिसाइज करे, कहीं पत्रकारिता की किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल पूछे ऑफकोर्स होना चाहिए, पक्ष या विपक्ष, अगर सरकार अच्छे काम करे तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। आपने चुनाव जीता, सबसे पहला शब्द वाक्य मेरा ये था कि आपको बधाई, हमने आपकी प्रशंसा की थी। उसके बाद भी मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद, एक दिन दो दिन ठीक है, आप 10 दिन ले लीजिए, 20 दिन ले लीजिए, लेकिन ये फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो 3-4 तरीके की होती है। अभी जो कांग्रेस में चल रहा है ना, वो फ्री रेन चल रहा है, जिसको चाहो वो मैं मुख्यमंत्री ये वो, कोई कॉमन डिसीजन नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल इनडिसिप्लिन आप इसको बोलिए। हर पार्टी में एक डिसिप्लिन होना अनिवार्य है, नहीं तो ना वो पार्टी चलेगी, ना देश चलेगा, ना सरकार चलेगा। मैं तो बोलता हूं, आप एक मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? आपके जितने विधायक जीते हैं सबको एक एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, पार्टी आपकी है, और बोल दीजिए। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी का इतना आपको फिक्र है, तो जो भी आपके 131 विधायक जीते हुए हैं, 365 दिन होते हैं साल में, दो दिन के लिए सबको बना दीजिए मुख्यमंत्री। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको जीत मिली है, हाँ, इसके लिए बधाई, लेकिन जीत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को जनता ने दिया है कि आप बिना टाइम वेस्ट किए, ये नौटंकी किए बिना, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, मतलब सरकार बनाइए, शासन प्रशासन को दुरुस्त करिए और विकास के रास्ते पे लेके चले जाइए। ये चीज तो हो नहीं रही है यहाँ। जब सारे जी कृतिका जी देखिए, हमारे मित्र और हमारे शुभचिंतक मैं कहूंगा, और राजनीतिक विश्लेषक साहब, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के देखिए, पत्रकार का मतलब होता है जो सरकार से सवाल पूछे, और राजनीतिक विश्लेषक का मतलब यह है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करे। आलोचना करने का मतलब बुराई नहीं होता, एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क। अच्छा चलिए, मैं आलोचना करता हूँ। अरे सर, 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा दिया, ये गलत है। बात नहीं करता मैं, हो गया ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। एक मिनट, हाँ जी, आप इनको बोलिए कि बोल ले, मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, इस तरीके से पार्टी के लोग आपस में लड़े, तू मैं करे, समझ में आता है? एक राजनीतिक विश्लेषक होके गरिमा की एहसास कराना चाहिए इनको। इनको बोलना है मैं रुक जाता हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए। देखिए, मैं दूसरा डेफिनेशन पे मैं जाऊंगा, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मैं भेज दूंगा आपको। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी और तानाशाही में बहुत नई फेज का फर्क होता है। जब जेपी नड्डा साहब को बिना किसी मीटिंग के, बिना कार्यकारिणी के मीटिंग के, उनको एक स्टेटमेंट के तहत 2025 तक एक्सटेंशन दी जाती है, तब हमारे मित्र एक सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन अभी 4 दिन हुए हैं और इलेक्शन होके रिजल्ट आके, लेकिन आज ये इतने सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सवाल पूछने का हक आपको है, हाँ। और आप पक्ष विपक्ष दोनों से पूछिए, लेकिन आप जिस तरीके से एक तरफा होकर राजनीति के मोहरे बन जाते हैं, उस पर हमें एतराज है। देखिए, अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, बीजेपी की कोई भी सरकार जीतने के बाद 4 दिन में नहीं डिसाइड हुई थी। और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। आप जैसे परिपक्व राजनीतिक विशेषज्ञ की उम्मीद हमें काफी ज्यादा है। जो कंटेंडर है, जो मेजर कंटेंडर्स है, उनको दोनों लोगों को बुला के बात करी जा रही है, और जितने भी विधायक दल की मीटिंग में सारे के सारे लोगों ने अपने गुप्त मतदान के तहत अपनी रजामंदी दिखाई है, उन सारे चीजों पर विश्लेषण कर हम एक दिन के अंदर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि जो हमने 5 गारंटी करी है, उसको पूरा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, लेकिन उसके लिए इतनी गड़बड़ी और हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, आप हमें थोड़ा मोहलत देने की कृपा करें। बिल्कुल सर, पूरा टाइम लीजिए, पूरा टाइम लीजिए। जी, 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 ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का रेफरेंस आप ले सकते हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये है कि जो चीजें सही लगे, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का, उनकी प्रशंसा करिए, और जो चीजें खराब हैं, आप उनके बारे में उसको, उनसे क्वेश्चन भी पूछिए, क्रिटिक्स करिए, समालोचना करिए, जो चीजें हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप एक दो दिन नहीं, कोई कोई हड़बड़ी नहीं है साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आप 5 साल लो इस चीज को डिसाइड करने में, सरकार बने या ना बने, कौन बने मुख्यमंत्री कौन नहीं। मेरे तरफ से पूरा 5 साल का टाइम है सर, हम तैयार है, कहीं ना आप भागेंगे ना देश भागेगा ना कर्नाटक भागेगा। लेकिन कर्नाटक की जनता का नुकसान नहीं, नहीं, नहीं होगा वो भी नहीं बात, चलिए ये भी मान लीजिए कि वो 5 साल तक इनके साथ रहेंगे, ओवरहेलमिंग जो विक्ट्री हुई है वो हम ये भी मान लेते हैं। सवाल ये है कि आप यहाँ पे चीज, यहाँ जो मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, या तो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, किस तरीके से कितने तेजी से आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं ये आपकी दक्षता और इफिशियंसी को दर्शाता है। चलिए ठीक है, आप प्रधानमंत्री की दक्षता को भी बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए लगे हाथों। आप तो एक किस टॉपिक पे आप, नहीं नहीं चलिए, मैं दोनों तरफ के प्रधानमंत्री, आपके तरफ भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आप किस पॉइंट पे, आप किस पॉइंट पे प्रधानमंत्री की दक्षता जानना चाहते हैं जरा बताइए मुझे। दिन का टाइम लगा था आसाम का मुख्यमंत्री का चयन करने में, 1 हफ्ते का समय लगा था यूपी के मुख्यमंत्री का चयन करने में, उनकी दक्षता भी आप लगे हाथों तो बता दीजिए दर्शकों को। हाँ, अब आप सुन लीजिए, उसके बाद संजय सरकार जी आपके पास आ रहे हैं। 12 दिन नहीं, आप 36 दिन लीजिए, हमने बोला 5 साल लीजिए। मेरा ऑब्जेक्शन जो ये है, चलिए ठीक है, मेरा ऑब्जेक्शन अलग है, आप उसको समझ नहीं पा रहे। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि दिन दिन लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे। उन्होंने 18 दिन लिया लेकिन इस तरह से सर फुड़वल नहीं हुई थी कि 4 लोग आ रहे हैं हम सीएम बनेंगे, हमें नहीं बनाओगे तो ये कर देंगे, हमें नहीं बनाओगे तो ये कर देंगे। राजस्थान में आप ही की पार्टी के नेता पद यात्रा किए पड़े हैं सरकार के खिलाफ, ये इंडिसिप्लिन नहीं है तो क्या है? कृतिका जी कोई सर फुटावल नहीं है, 135 लोग कांग्रेस के। अरे हमें जवाब दीजिए ना, कृतिका जी की गोद में क्यों बैठ रहे हैं? सुनो आरोप एके मिश्रा जी प्लीज थोड़ा सोच के बोलिए जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। डीके शिव कुमार जी ने स्टेटमेंट जारी करके ये कहा था कि 136 जो विधायक चुने गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के चुने गए हैं, चले ठीक है, ठीक है सर। जुड़े हुए सीधा एके मिश्रा जी के पास चलते हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने सभी मेहमानों को सुना, तो ऐसे में क्या एनालिसिस इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि राजस्थान का हम लोग देख चुके हैं, राजस्थान की तस्वीर, मध्य प्रदेश के हम लोग देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग देख ही रहे हैं लगातार, पंजाब में भी कुछ इस तरीके की तस्वीर कहीं ना कहीं निकल कर सामने आई थी। तो ऐसे में अब कर्नाटक का नंबर, और जबकि अगर देखा जाए तो आज इसी साल 3 राज्यों में चुनाव भी है। देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने 3 राज्यों और 2024 के चुनाव की बात की, मैं चलिए अभी जो कर्नाटक में है मैं फिर से बधाई दे देता हूँ, 2 नहीं आप 10 दिन लीजिए, आप सरकार बनाइए। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इंटरनल फाइट और ये जो दरार है इसके कारण ये प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी, और हो सकता है ऑपरेशन लोटस हो ना हो, हालांकि डीके शिव कुमार जी अपने आप में सक्षम है कि वो अलग होकर चाहेंगे तो एक नई पार्टी बना लेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में जैसे हुआ था, इस चीज़ की संभावनाएं हैं। देखना ये है फ्यूचर में कि कितने इफ़िशियंट है कांग्रेस का आला कमान एज वेल एज लोकल लीडरशिप कर्नाटक का, कि कितना स्मूथली वो चलाते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार बनाना ऐसा लग रहा है कि किसी एक पार्टी की ये बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे दलों का। इतना सरफड़वल या इतनी चीज़ें तो होती हैं गठबंधन की, जब सरकार बनती है वहाँ पे इस तरह का माहौल होता है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। संजय सरकार जी भी बैठे हैं टीएमसी के, देखिए कांग्रेस की ओवरहेलमिंग जीत का एक मैसेज जो है विपक्ष में भी जाता है, जो इनके सहयोगी दल है जी। कांग्रेस का दावा अब जबरदस्त होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, बिल्कुल। ममता दीदी ने भी कुछ दिन पहले ही बोला था कि भाई कांग्रेस सेक्रीफाइस करे। ये प्रॉब्लम जो अभी कर्नाटक में चल रही है, यही 2024 में जो दिग्गज नेता है, अब वहाँ ये होगा कौन किसके सर पे बैठेगा, कौन किसके कंधे में बैठेगा, कौन किसके गोद में बैठेगा। जब एक मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं, तो एक देश का जहाँ पे कि सारे दल फ्री हैं, सारे सहयोगी दल अलग अलग हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, नीतीश कुमार अलग बनेंगे वो अलग बनेंगे, तो ये एक चैलेंज वहाँ पे भी आ गया। और इसी की प्रतिक्रिया में ममता दीदी ने बोला था कि भाई कांग्रेस सेक्रीफाइस करे, यानी प्रेशर बनाना। कांग्रेस अभी सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं आएगी, अगर कांग्रेस ये जीत जाती है एकाक और अच्छे जगह परफॉर्म कर देती है तो कांग्रेस बोलेगी कि केवल नेशन वाइड तो वही एक वो है, तो इससे भी ज़्यादा सरफड़ोवल इनडिसिप्लिन होगा 2024 के चुनाव में। एक दो चुनाव बीत जाने दीजिए, ये डिसाइड करना कि कौन क्या होगा ये विपक्ष के लिए हमेशा बड़ी चुनौती का विषय यहाँ पे बना हुआ है। ठीक।